दोस्तों आज के समय में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रही है उसके हिसाब से पुरानी चीजें भी अपडेट होती जा रही हैं, जिसका सबसे प्राइम एग्जांपल है पहिया, जिसे इंसान का सबसे बेहतरीन आविष्कार माना जाता है, जो पहले लकड़ी से बना, फिर लोहे का, फिर उस पर रबर की टायर लगा दी गई जिसमें एक ट्यूब लगा होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इसके बाद भी कुछ होना ही था, और वो हुआ ट्यूबलेस टायर के रूप में। अब आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आती होगी कि जब ट्यूब वाले टायर से काम चल रहा था तो ट्यूबलेस टायर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जवाब है कि ट्यूब वाले टायर्स में कील या कांटा चुभने या फिर पंक्चर होने पर टायर तुरंत फट जाता है या फिर सारी हवा तुरंत निकल जाती है, जिससे कि गाड़ी के तेज स्पीड में होने पर टायर के अचानक फटने पर या फ्लैट होने पर गाड़ी को एक बार को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है और आप किसी एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, या फिर पंक्चर होने पर आप किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां आसपास टायर रिपेयर की सुविधा नहीं है, तो आपकी हालत आसमान में गिरे खजूर पर अटके वाली कहावत जैसी हो जाती है। अब जरा सोचिए, आप नहा धोकर एकदम टिप टॉप होकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकले और आपका टायर ही पंक्चर हो जाए तो आपका आधा रोमांच और आधी एनर्जी तो गाड़ी को नजदीकी रिपेयर सेंटर तक ही ले जाने में खर्च हो जाएगी। तो ऐसी दुर्घटना और परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए टायर कंपनियों ने वैज्ञानिकों की सहायता से टायर्स की बनावट में बदलाव करने की सोची, जिससे कि टायर में कील लगने से टायर्स अचानक ना फटें और ना ही टायर्स की सारी हवा तुरंत निकल जाए। इसमें टायर्स की बनावट को ऐसा बनाया गया जो कि वजन में हल्का हो, जिससे गाड़ी के माइलेज को बेहतर किया जा सके, साथ ही साथ टायर के मूवमेंट्स में भी आसानी हो, और जब गाड़ी पंक्चर हो तो टायर से हवा अचानक से ना निकलकर धीरे धीरे निकले, जिससे किसी दुर्घटना को टाला जा सके। साथ ही ड्राइवर्स को इतना वक्त मिल जाए कि वो गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपने नजदीकी ऑटोमोबाइल रिपेयर सेंटर तक पहुंच सके। आइए अब हम ट्यूबलेस टायर्स के बारे में जानते हैं कि कैसे काम करते हैं, इसके बनने के पीछे का साइंस क्या है, इसके आने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या बदलाव हुए। ट्यूबलेस टायर्स, जैसा कि नाम से मालूम होता है कि इसमें ट्यूब्स नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ट्यूबलेस टायर्स में ट्यूब वाले टायर्स की तरह ट्यूब्स होती हैं, लेकिन ये अलग से नहीं होती हैं, बल्कि टायर से जुड़ी होती हैं, जिन्हें ट्यूब्स की इनर लेयर्स कहते हैं, जो कि ब्यूटाइल रबर की बनी होती हैं। ब्यूटाइल रबर आइसोब्यूटिलीन और आइसोप्रोपीन जैसे केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें से हवा के छनने या निकलने की संभावना ना के बराबर होती है। ट्यूबलेस टायर्स में हवा भरने वाले वाल्व्स पहियों के रिम में लगे होते हैं। ट्यूबलेस टायर्स का इतिहास, जैसा कि हर एक चीज के बनने के बाद उस पर पेटेंट के लिए अलग अलग कंपनियों के दावे होते हैं, वैसे ही ट्यूबलेस टायर्स के पेटेंट अधिकार के लिए 1928 में यूके की टायर कंपनी किलन टायर्स ने और दक्षिण अफ्रीका के विंग फुट कॉरपोरेशन ने 1944 में अप्लाई किया और इन्हें पेटेंट मिला भी। लेकिन इनके टायर्स में तकनीकी खराबियों के कारण इनके बनाए टायर ज्यादा सफल नहीं हो सके। फिर 1946 में यूएस की टायर कंपनी बीएफ गुडरिक के फ्रैंक हर्जिक ने इसके पेटेंट के लिए अप्लाई किया और 1952 में उन्हें पेटेंट मिल गया। इनकी कंपनी द्वारा बनाए गए टायर्स को ऑटोमोबाइल कंपनियों ने हाथों हाथ लिया। इनके टायर्स की सफलता का कारण टायर्स की इनर लेयर्स के लिए ब्यूटाइल रबर का प्रयोग करना था, जो कि टायर से हवा को बिल्कुल भी निकलने नहीं देता था। बाद में इस कंपनी का अधिग्रहण फ्रांस की दिग्गज टायर कंपनी मिशेलिन द्वारा कर लिया गया। ट्यूबलेस टायर्स काम कैसे करते हैं? अब अगर बात इसकी वर्किंग की करें तो जब ट्यूबलेस टायर्स में हवा भरी जाती है तो खुद ही रिम के चारों ओर एयर टाइट सील लगा देता है, जो हवा को टायर से निकलने से एकदम रोक देता है। अब हम ट्यूबलेस टायर्स के काम करने की फिजिक्स को समझते हैं। दो फूले हुए गुब्बारे लीजिए, उनमें से एक में सेलो टेप लगा दीजिए। अब एक गुब्बारे में पिंच बो दीजिए, गुब्बारा फट जाएगा। लेकिन अब दूसरे गुब्बारे में जहाँ सेलो टेप लगा है वहाँ पिंच बोइए, आप देखेंगे कि गुब्बारा फटता नहीं है बल्कि छेद से हवा धीरे धीरे निकलती है। बिल्कुल यही थ्योरी ट्यूबलेस टायर्स में काम करती है। जब कोई कील ट्यूबलेस टायर में चुभती है तो टायर ट्यूब वाले टायर्स की तरह फटता या तुरंत फ्लैट नहीं होता है, बल्कि इससे हवा धीरे धीरे निकलती है। ट्यूबलेस टायर्स का इस्तेमाल करने के फायदे, बेहतर माइलेज। ट्यूब्स वाले टायर्स की तुलना में ट्यूबलेस टायर्स काफी हल्के होते हैं, जिससे इनकी मूवमेंट्स में कम मेहनत और कम फ्यूल की खपत होती है। सुरक्षा, ट्यूबलेस टायर्स ट्यूब वाले टायर्स की तुलना में कम गर्म होते हैं, जिससे इनके फटने का खतरा भी कम हो जाता है। आजकल ट्यूबलेस टायर्स में नाइट्रोजन गैस का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो साधारण हवा की तुलना में अधिक ठंडी होती है, जिससे अधिक दूरी की यात्रा करने पर टायर जल्दी से गर्म नहीं होता। मजबूती, ट्यूबलेस होने की वजह से ट्यूब और टायर के बीच फ्रिक्शन नहीं होता, जिससे कि टायर जल्दी गर्म नहीं होता, जिससे टायर के फटने का खतरा नहीं होता। ट्यूबलेस टायर्स के नुकसान, किसी चीज के ढेर सारे फायदे होते हैं तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं।
जैसे हर मैकेनिक ट्यूबलेस टायर्स को रिपेयर और रिम पर फिट नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत के साथ साथ उनको अच्छे से यूज करना भी आना चाहिए। इसके अलावा साइड वॉल पर पंक्चर होने पर उसे ठीक से रिपेयर करना भी आसानी से संभव नहीं हो पाता, और अगर रिपेयर हो भी गया तो टायर की लाइफलाइन पहले जैसी नहीं रहेगी। इसके अलावा ये ट्यूब वाले टायर से थोड़े महंगे भी मिलते हैं। अब इसे भी समझ लीजिए कि आजकल ट्यूबलेस टायर्स के पंक्चर को बनाने के लिए कई तरह के लिक्विड सीलेंट्स भी मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये छोटे छेदों वाले पंक्चर को बनाने में ज्यादा कारगर हैं। कई बार ये पहियों के सेंसर्स को भी नुकसान पहुंचा देता है। भारत में ट्यूबलेस टायर्स का प्रोडक्शन विश्व में टायर्स के लिए चीन, यूरोप और अमेरिका के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय टायर बाजार ने 2021 में 182 मिलियन यूनिट के आंकड़ों को छुआ है। IMARC ग्रुप्स ने 2027 तक यह आंकड़ा लगभग 221.8 मिलियन यूनिट होने की बात कही है। अब बात अगर भारत में लीडिंग टायर कंपनी की करें तो MRF कंपनी ने टायर्स की दुनिया में पहला नंबर बरकरार रखा है। वहीं दुनिया में फ्रांस की दिग्गज टायर कंपनी मिशेलिन ने जापान की ब्रिजस्टोन कंपनी की 11 सालों से चली आ रही लगातार बादशाहत को खत्म करते हुए टॉप पर अपना कब्जा जमाया। इसके अलावा कुछ सावधानियों की बात करें तो अगर आपको अपने ट्यूबलेस टायर्स को ज्यादा समय तक चलाना है तो आपको कुछ बातें भी याद रखनी होंगी, जैसे कि टायर में सही एयर प्रेशर रखें और हफ्ते में एक दो बार एयर प्रेशर चेक करवा लें। जहां तक हो सके अपनी गाड़ी को उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने से बचें, जिससे टायर की लाइफ के साथ गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, और गाड़ी को हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही पार्क करें। तो दोस्तों, ये थी ट्यूबलेस टायर्स के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।